KMCH में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोविड-19 से बचाव को लेकर बनाए गए टीका के फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। पूरे जिले में 900 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 के वैक्सीन का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 8 केंद्र पर सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण का व्यवस्था किया गया था, जबकि निजी क्षेत्र के अस्पताल के तौर पर कटिहार मेडिकल कॉलेज में एक केंद्र बनाया गया था। कटिहार मेडिकल कॉलेज में लगभग 11:30 बजे से कोविड-19 टीका लगने का काम शुरू किया गया। सर्वप्रथम KMCH के दाई सुलेखा देवी उम्र 45 वर्ष को कोरोना वैक्सीन वैक्सीनेटर सुरजीत झा के द्वारा दिया गया। वैक्सीन देने के आधे घंटे बाद ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा उपरोक्त दाई को बैठा कर रखा गया कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। आधा घंटा तक किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आने पर उक्त दाई को कार्य के लिए छोड़ दिया गया। इस सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन का डोज देने के लिए लिस्ट बनाया गया था। स्वास्थ्य कर्मी धीरे धीरे करके सेंटर पर पहुंच रहे थे। शाम के करीब 4 बजे तक 50 लोगों को टीका लग पाया था। इस बात की पुष्टि करते हुए कटिहार मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट नजर हामिद ने कहा कि ये कोविड का जो पहला वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, आज से हमारे यहाँ भी एक चर्चा डिस्ट्रिक्ट में जो 9 सेंटर बनाए गए, जैसे एक प्राइवेट सेंटर है वो हमारा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे टीकाकरण स्टार्ट हो गया है। 100 लोगों का आज टीका देना है, इसकी लिस्ट हम लोगों को मिल गई है, तो अभी कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया है तो क्या उसका फीडबैक आ रहा है सर? अभी तो वैक्सीन का स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो कुछ नेगेटिव फीडबैक नहीं है। अभी सारे लोग को टीका लग रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। वैक्सीन लगने के बाद हम लोग आधे घंटे के लिए उनको रख रहे हैं ऑब्जर्वेशन रूम में, लेकिन अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है। अभी तक आगे देखिए बाकी लोगों को टीका लगना बाकी है। परिचय दीजिए सर। मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट नजर हामिद, कटिहार मेडिकल कॉलेज।